हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और बारिश जो है होना शुरू हो गई। गर्मी भैया बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया। 45 45 46 46 47 47 डिग्री तक टेम्परेचर गया। लेकिन मानसून आ चुका है तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता था, कहीं भी जाने का मन नहीं होता था। और अब बेसिक लेवल के स्कूल और भी बहुत सारे स्कूल जो है खुलने वाले हैं, तो आप लोगों को भी इंतज़ार है कि भर्ती का पिटारा कब खुलेगा। तो आज एक मेरे पास न्यूज आती है, उसको तो मैं बाद में बात करूंगा, उस पर जो है बहुत ही तगड़ी न्यूज है वो। लेकिन उससे पहले एक न्यूज जो है, मैं कल आपसे कह रहा था कि एक थोड़ा हंसी वाली न्यूज है, जो कि मेरा उसमें कुछ नहीं है, मेरा वक्तव्य नहीं है, वो न्यूज़पेपर का वक्तव्य है। आइए उसे देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, तो उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने का कोई मतलब, मुझे घुमा फिरा कर बात करना आता ही नहीं है, सीधी बात करना आता है। कोई भी जो है चापलूसी वाली बात मुझे आती नहीं है, सीधी बात करता हूँ, बस बात खत्म। देखिए, जो चुनाव था उसने गवर्नमेंट को जो है सोचने पर मजबूर किया। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो वही हुआ, नवयुवक जो बेरोजगार थे उन्होंने चुनाव में बहुत ही सोच समझ के वोट किया, जिससे गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि गलती कहां पर हो रही है। तो उसी को लेकर के कुछ ना कुछ जो है भर्तियां आने की प्रबल संभावना है। जैसे SSC की भर्तियां जो है होने वाली हैं, छोटी छोटी लेवल की भर्तियां होने के लिए जो है अभी लाइन में लगी हुई है, कहीं होमगार्ड कहीं पुलिस वाला, ये सब चल ही रहा है। पुलिस वाला तो पेपर लीक हो गया था, लेकिन भर्ती आने वाली है ये मैं पूरा 100% श्योर नहीं हूँ। ये मैं सोचेगा कि मैं रोज आ जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए कि कह रहा हूँ कि भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भर्ती आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब तक भैया नोटिफिकेशन आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक कुछ मत मानिएगा कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो भर्ती जब ही आएगी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी मानिएगा कि भर्ती आने वाली है, अन्यथा नहीं। मैं चाहे जितना कहूँ कि भर्ती आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती जब ही आएगी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये नहीं कि कहीं न्यूज में निकाल रहे भर्ती आने वाली है, 80,000 52,000 50,000 1,50,000 पद खाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भर्ती कब आने वाली है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन पहले जो थोड़ा सा हास्य वाली न्यूज है उसे पढ़ लेते हैं। देखिए, कभी कभी जैसे हो लगता है आपको कि काम कुछ करे नहीं और तनख्वाह मांगल लागे, ये हमारे हरदैया लैंग्वेज है। काम तो कुछ करो ना तुम जो नहीं, और जो रुपया मांगल लागे सब जो नहीं, जैसे दिन खत्म हुआ। तो उसी को लेकर के जो है न्यूज है, आइए पढ़ते हैं। और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी तो पढ़ता हूँ। वैसे अगर आप काम अच्छा करेंगे तो वेतन चाहे जितना लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब काम नहीं करेंगे तो प्रश्न चिन्ह लगता है, लोग उपहास उड़ाएंगे ही, क्योंकि कोई भी काम हुआ नहीं। मई में मीटिंग हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, कोई भी चीज़ें बाहर निकल करके नहीं आई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल जो 9 समितियाँ बनी थी, जिनको बेसिक से लेकर के उच्च लेवल तक की जो भी भर्तियाँ करानी है शिक्षा विभाग में, उस पर जो है कमेटियाँ काम कर रही हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रस्ताव बनाए गए। तो उसमें ये भी प्रस्ताव था, तो न्यूज वालों ने एक निकाल दिया, उनका जो है उपहास उड़ा दिया। पहले ही प्रस्ताव पारित नहीं हुआ लेकिन उपहास उड़ा दिया। अब भर्ती आएगी या कौन सी चीज़ पहले होगी, अभी बात करता हूँ। मेरे पास करंट न्यूज़ मिली है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट उसको देंगे हम लोग, जो मैंने आपको कल बताया था। आप सोच रहे होंगे मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, आपके पास खाली टाइम है कौन सा, जो है आप लोग जो है बहुत ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई की ओर, मुझे पता है कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लिखा है, नए आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया लेकिन वेतन बढ़ाने को दे दिया प्रस्ताव। वही चीज़ है ना, दिन भर से कोई लेबर लाओ आप और काम जो है वो करे ना, शाम को कहे भैया रुपये ला 450, तो आप कहेंगे ये रुपये कहे के। तो वही यहाँ पे वो पास किया गया है कि नए आयोग ने काम कुछ नहीं किया लेकिन वेतन बढ़ाने को दे दिया प्रस्ताव। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हालात भी अजूबे गरीब चल रहे हैं। मार्च में सदस्यों और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से कोई काम नहीं हो सका। लेकिन मजे की बात यह है, सदस्यों अध्यक्ष के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया।
विज्ञापन में सदस्यों और अध्यक्षों का वेतन जो है, जो सदस्य हैं उनका वेतन 1,48,000, जो अध्यक्ष हैं उनका वेतन 1,68,000 है निर्धारित किया गया था, जो विज्ञापन निकाला गया था। लेकिन वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया गया, कहा गया कि 2,05,000 रुपये सदस्यों को और 2,15,000 रुपये अध्यक्ष को दिए जाएं। वेतन के अलावा डीए के रूप में तकरीबन 75,000, एचआरए के रूप में 12,000, 4 पहिया गाड़ी के लिए 200 लीटर पेट्रोल यानी तकरीबन 20,000 रुपये, मोबाइल खर्च के नाम पर 2,000 रुपये। इसके पहले इसी भवन में संचालित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्षों का वेतन कितना था? 1,48,000 और 1,68,000। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि काम कुछ किया नहीं और जो है वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे। तो देखते हैं क्या कर रहा है आयोग, ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन आयोग क्या कर रहा है उसको लेकर के मेरे पास न्यूज है। लिखा है, 1.5 महीने बाद भी बैठक के मिनट्स जारी नहीं। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक के 1.5 महीने बाद भी उसके मिनट्स जारी नहीं हो सके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोग परिसर में 8 मई को पहली बैठक हुई थी, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं। उस बैठक में निर्णय हुआ कि उसका जानकारी किसी को है ही नहीं। बैठक में राम सुचित योगेंद्र नाथ सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, विमल कुमार विश्वकर्मा, कीर्ति गौतम, डॉक्टर कुमार सिंह समेत सदस्य मौजूद रहे। तो ये है भैया, काम तो हुआ नहीं लेकिन क्या करना है, वेतन बढ़ा दो। तो ये चीज़ें थोड़ा उपहास वाली लगती हैं। बाकी आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है, अगर काम करता है आयोग, नोटिफिकेशन निकालता है तो वेतन बढ़ा दिया जाए कोई बात नहीं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, वेतन बढ़ जाए अच्छी बात है, लेकिन करना क्या है, भर्ती जो है वो आए तो अच्छा लगे, चाहे वो माध्यमिक लेवल की हो, चाहे वो उच्च शिक्षा लेवल की हो या बेसिक लेवल की हो। भर्ती के नोटिफिकेशन जब आएंगे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो है विश्वास बढ़ेगा, अन्यथा यही रहेगा कि इनका तो यही चलता है, रोज भर्ती का नोटिफिकेशन आ रहा, यूपी टट आ रही, बीट जो है सीटेट आ रही, सीटेट नहीं, सीट तो केंद्र का हो जाएगा, मतलब सुपर टेट आ रहा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक मेरे पास न्यूज आती है आज की, अभी की है, लिखा है टेट 2024 की, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के ताज़ा जानकारी निकल चुकी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द एक बड़ी मीटिंग आयोजित करने वाला है। इस मीटिंग के आयोजन के बाद यह तय हो जाएगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे। अभ्यर्थी कब तक आवेदन कर सकेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती के इंतजार में, यानी जो भर्ती आने वाली है, मैंने बताया उसके पहले ही आपकी क्या होगी, उसके पहले ही आपकी क्या होगी, सुपर टेट होगी भर्ती से पहले। तो ये ताज़ा न्यूज है, बाकी उम्मीद है, ईश्वर से कामना है, प्रभु से कामना है, भोलेनाथ से कामना है कि भर्ती जल्दी जल्दी आए, आप लोग जो है बेरोजगार ना रहें, ठीक है। और यूपी टेट आए, उसके बाद सुपर टेट आए, कुछ भी आए, जल्दी से जल्दी आए। उम्मीद है भोलेनाथ सुन लें आप लोगों की, कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो, आप लोग टीचर बने। तो यही थी छोटी सी न्यूज, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।